हेलो एवरीवन वेलकम टू परफेक्शन आई और परफेक्शन आई के 69 बीपीएससी के करंट अफेयर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है हम आज जून महीने के सेकेंड हाफ़ के करंट अफेयर्स एम सी साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज़ द टर्म लैंडफॉल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर लैंडफॉल इनमें से किस डिजास्टर के साथ किस कॉन्टेक्स में यूज किया जाता है सो लैंडॉल इज समथिंग विच इज कनेक्टेड विथ अ डिजास्टर विच इज साइक्लोन तो आप देखेंगे ये न्यूज में इसलिए था कि साइक्लोन व्यापार जॉय जो है उसने लैंडफॉल जो अपना हुआ है जखाऊ पोर्ट गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर किया था सो लैंडफॉल इज एसोसिएटेड विथ साइक्लोन एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज सेट टू हैव मेड लैंडफॉल फिन द सेंटर ऑफ द स्टॉम इट्स आई मूव्स ओवर द कोस्ट ठीक है नाउ साइक्लोन्स लूज इंटेंसिटी लैंड लैंड पहुंचते हुए वो भी कम हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायल वैक्सीन नेम वी सी एन फाइव फाइव थ्री इज एसोसिएटेड विध विच ऑफ द फॉलोइंग सो अंडर ट्रायल वैक्सीन है जिसका नाम रखा गया है VCA 1553, ये एसोसिएटेड है चिकन गुनिया से सो फेज थ्री ऑफ चिकन गुनिया वैक्सीन वॉज ट्रायल टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमंस विच सोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। एंड दिस इज अ लाइफ अटेनुएटेड वैक्सीन कैंडिडेट फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कॉज बाय चिकन वायरस ठीक है ना रिसेंटली अ माइग्रेंट बोट कैप्साइज इन द मेडिटेनियन सी इन दिस कॉन्टेक्स्ट पेलोपोनीज पेनंसुला इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझेंगे हाल ही में एक माइग्रेंट बोट जो है वो कैप्साइज हुआ था कहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में उस कॉन्टेक्स्ट में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पेलेपोनीज पेनसुला किस कंट्री में लोकेटेड है तो यू विल सी दैट इट इज लोकेटेड इन ग्रीस और ग्रीस में भी आप बात करेंगे तो ये सदर्न पेलोपो पेनसुला जो है वो वहाँ पर आपको ग्रीस में लोकेटेड है साउथ वेस्ट के अंदर ठीक है ये सदर्न ग्रीस के पार्ट में आपको ये लोकेटेड दिखेगा एंड इट इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री बाय इस्थमस ऑफ कोरिंथ लैंड ब्रिज विच सेपरेट्स द गल्फ ऑफ कोरिंथ फ्रॉम सैरोनिक गल्फ ठीक है नेक्स्ट द टर्म हॉकिश पॉज वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो हॉकिश पॉज जो है वो कभी कभी न्यूज में सुना जाता है ये टर्म किस चीज से रिलेटेड है इनमें से द करेक्ट आंसर इज बैंकिंग and if you talk about united states federal reserve it decided to pause raising interest rates many commentators called it hawkish pause to so interest rate ko jo eh, wo raise karne se rok diya gaya isi ko kya term diya gaya hai hawkish pause theek hai now in which year will india host the international institute of administrative sciences india kis saal international institute of administrative sciences ko launch karega and the correct answer is

सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हाउ मेनी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू लीव इंडिया इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो इंडिया में दो हज़ार तेईस में कितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो यहाँ से निकल जाएंगे अगर आप इसकी बात करेंगे तो टोटल सिक्सटी फाइव हंड्रेड ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया से जा सकते हैं और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की अगर बात करें तो उसका क्राइटेरिया क्या है तो बेसिकली जिनके पास जो इन्वेस्टेबल वेल्थ हो कितना एक मिलियन डॉलर यानी कि 8.2 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर टोटल आपका इन्वेस्टेबल वेल्थ है तो वो क्या कहलाते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल अगर सबसे ज्यादा नेट आउटफ्लोस देखना है तो किन कंट्रीज में है तो सबसे आगे चाइना है फिर इंडिया देन यूके देन रशिया एंड ब्राजील और अगर टॉप फाइव डेस्टिनेशन जहां पर इन्फ्लोज हो रहा है उसको देखना है तो इट इज ऑस्ट्रेलिया यूएई सिंगापुर यूएस एंड द स्विट्जरलैंड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Recently, which country hosted Komodo Naval Exercise in which 36 countries participated? Komodo जो naval exercise है वो हाल ही में कराया गया और इंडोनेशिया ने इसका fourth edition को launch किया है। The aim was to strengthen relationship between navies of 36 countries और इंडिया की तरफ से जो participation किया गया वो INS सतपुरा का किया गया था, ठीक है? Next, Bihar became which state to implement National Transit Pass system? बिहार कौन सा नंबर स्टेट बना जिसने क्या पास किया हो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को लागू किया है और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो बिहार बिकेम द फिफ्थ स्टेट ओनली टू तो इम्प्लीमेंट द नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम अब ये है क्या सो इट इज बेसिकली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म विच मॉनिटर्स एंड कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजिट परमिट फॉर द इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्राइवेट एज वेल एज एंड पब्लिक Land. तो जितने भी कैसे प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उनको लेकर ये वाला पास जो है वो जारी किया था है बिहार बिकेम द फिफ्थ स्टेट ओनली दिस एन डी पी एस वॉज लॉन्च बाय स्टेट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर तेज प्रताप यादव ऑन जून फिफ्टीन टवेंटी ट्वेंटी नेक्स्ट रिसेंटली वर्ल्ड बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया द पायलट प्रोजेक्ट विल बी अंडरटेकन इन विच कंट्री तो वर्ल्ड बैंक ने अभी अपना पहला डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट जो है साउथ एशिया में लॉन्च किया है और ये किस जगह पर अगर आप बात करेंगे तो ये बांग्लादेश में जो है उसको लॉन्च किया गया है ठीक है ढाका के अंदर इसके बारे में साइन किया गया था एंड टू नेशनल हाईवेज ऑफ बांग्लादेश दैट इज़ गाजीपुर एलंगा एज वेल एज द धर्नातोड नवाबगंज एन एन सिक्स एंड एन फोर जो है उस कॉन्टेक्स्ट में ये लॉन्च किया जा रहा है एंड दिस इज द फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट ऑफ साउथ एशिया डन बाय वर्ल्ड बैंक Recently UN General Assembly adopted a draft resolution to establish a memorial at UN headquarters to honor fallen peacekeepers. This resolution was introduced by actually this is important because this resolution was introduced by India only. The title of the resolution was Memorial Wall for Fallen United Nations Peacekeepers introduced by India.

वट यूनेस्को स्टैंड फॉर तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस को यूनेस्को से विद्रॉ कर लिया था तो अभी यूएसको ने फिर इसको ज्वाइन करने का सोचा है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जो अगर आप समझेंगे वो क्या होगा यहाँ पर इन दोनों कॉन्टेक्सट में अगर आप तो आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल अगर आप समझेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को स्टैंड फॉर दिस एंड यूएसए ने अलॉन्ग विथ इसराइल इट यूनेस्को ऑन दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड एटीन अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है नेक्स्ट विच आई आई टी हैज डेवलप मोबाइल एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम तो आई आई टी मद्रास ने एक मोबाइल एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है ठीक है उनके रिसर्चर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड इट इज डेवलप्ड अंडर डेटा साइंस एंड आई आई टी बेस्ड मेथड से यह किया गया है पॉल्यूशन सेंसर्स ऑन पब्लिक व्हीकल इंक्लूडिंग टू व्हीलर्स कैन डायनेमिकली मॉनिटर द एयर क्वालिटी ऑफ एन एक्सटेंडेड एरिया तो जो वहीकल्स है उस पर अगर कर देंगे तो बहुत अच्छे खासे एरिया का जो है वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट बेटे न्यूज रिसेंटली इट इज वॉट तो यह आखिर है क्या सो इट इज अ रेड जैंट स्टार अगर आप बात करेंगे इट इन इट्स लेट कार्बन बर्निंग स्टेज एंड इट मे एक्सप्लोर्ड एज अपर नोवा विद इन अ फ्यू डिकेट्स इट इज नोन एज थ्रूव थ्री और अर्दरा इन in इंडियन एस्ट्रोनोमी एंड रेड जैंड स्टार इज अ लार्ज एजिंग स्टार दैट इज एक्सपैंडेड एंड कूल्ड कॉजिंग इट टू अपियर रेड इन कलर तो एक्सपैंड होकर फिर कूल हुआ और इसीलिए उसका कलर कैसा दिखता है रेड दिखता है नेक्स्ट रिसेंटली द बुक ऑफ विच इंडियन हिस्टोरियन वॉन द एलिजाबेथ लॉन्ग फोर्ट प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी अगर आप इसमें बात करेंगे तो रामचंद्र गुहा की जो बुक है उसने एलिजाबेथ लॉन्ग फोर्ट प्राइज जो है वो जीता है द बुक इज रेबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम इस पर्टिकुलर बुक को जो अवार्ड दिया गया है और ये बुक मेनली किसके बारे में है तो वाइट ब्रिट्स हु वेयर सेवरली पनिश फॉर गोइंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर डे टू गिव देयर ऑल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस ठीक है नेक्स्ट रिसेंटली वर्ल्ड टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट वॉज ऑब्जर्व ऑन जून सेवनटीन इंडिया एम्स टू अटेंड लैंड न्यूट्रैलिटी बाई विच ईयर तो इंडिया लैंड न्यूट्रलिटी किस साल तक अचीव करने की कोशिश कर रहा है या टारगेट उसका क्या है सो so, इंडिया का ये टारगेट है कि वो लैंड न्यूट्रलिटी लैंड न्यूट्रल स्टेटस अचीव कर ले 2030 तक और इसके लिए वो रिस्टोर करेगा 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 ठीक है ना ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सॉट द व्यूज ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक ऑन द इश्यू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बात करना है कि यूसीसी डीपीएसपी के किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अंदर फॉल करता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली दैट यू सी सी लॉ कमीशन हैज एक्चुअली आज फॉर द व्यूज ऑफ पब्लिक एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सो यू सी सी इज समथिंग विच इज हैविंग अ कॉमन सिविल लॉ सिविल लॉ मीन्स ऑल द सिविल मैटर दैट रिलेटेड टू मैरिज डिवोर्स एटसेकट्रा इन एंड एड ऑप्शन सैल बी गवर्न बाई अ कॉमन लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन रेस कास्ट जनर एक्सेट्रा लास्ट लॉ कमीशन एक्चुअली डिनाइड और यू कैन से रिपोर्टेड दैट इट इज नॉट डिजाबल एट द मोमेंट टू इम्प्लीमेंट यू सी सी बट नाउ दे हैव अगेन री आस्ट और री आज रिकनसिडर दिस पर्टिकुलर डिमांड तो यू सी सी जो है डी पी एस पी के अंदर दिया गया दैट मीन्स इट इज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नॉन जस्टिसिएबल राइट और एज अ गाइडलाइन ऑफ साइट स्टेट तो so, यूसी हमारा जो प्रिंसिपल है अगर तीन कैटेगरीज में डीपीएसपी के प्रिंसिपल बांटे गए हैं तो यूसीसी फॉल्स अंडर द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंदर यूसी फॉल करता है ठीक है यूनाइटेड नेशंस हैड

रिसेंटली पी एम स्पोक अबाउट मियाँ फॉरेस्ट इन इज़ मन की बात प्रोग्राम इट इज़ एन इंडिजीनियस फॉरेस्ट ग्रोइंग टेक्निक ऑफ विच कंट्री तो जापान का ये बहुत फेमस टेक्निक है फॉरेस्ट ग्रो करने का जहाँ पर बहुत कम एरियाज़ में अलग अलग तरह के फॉरेस्ट को प्लांट किया जाता है और अगर आप समझेंगे तो इस मेथड में दो से चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिजीनियस ट्रीज़ को विद इन एवरी स्क्वायर मीटर प्लांट किया जाता है जिसकी कारण ट्री सेल्फ सस्टेनेबल बन जाते हैं और वो अपने फुल लेंथ पे के कैपेसिटी में क्या करते हैं ग्रो करते हैं ठीक है तीन साल में लगभग वो अपने पीक तक पहुंच जाते हैं नेक्स्ट इंडिया हैज डिसाइडेड टू बाय हाउ मेनी प्रीडेटेड ड्रोन फ्रॉम द यूएसए इंडिया ने कितने प्रिडेटेड ड्रोन यूएसए खरीदने का डिसीजन लिया है तो अगर आप बात करेंगे तो टोटल थर्टी वन प्रीडेटेड ड्रोन जो है वो इंडिया यूएसए खरीदने जा रहा है दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और ये खरीदा जा रहा है किससे जनरल एटोमिक्स एनोनोटिकल सिस्टम और ये टोटल कॉस्ट है थ्री बिलियन डॉलर ठीक है इंडियाज बिगेस्ट नैचुरल आर्क बिलोंगिंग टू जुरासिकज हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट और यू टी ये किस स्टेट या यूटी में अगर आप बात करेंगे जो सबसे बड़ा नेचुरल आर्क मिला है जो कि जुरासिकज का है एंड दैट हैज बिन डिस्कवर्ड अगर आप बात करेंगे तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इट इज मेड अप ऑफ यूरोजिनस सैंडस्टोन and the period dates back to 184 to 160 million years ago ठीक है? next which country has raised the age of consent from 13 to 16 years for the first time since 1907 अगर 1907 के बाद जापान ने अभी हाल ही में कंसेंट का जो एज है वो 13 ईयर से कितना दिया कर दिया बढ़ाकर 16 साल कर दिया है रिसेंटली ठीक है सो दिस एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट हैज बीन लिफ्टेड फ्रॉम 13 टू 16 नाउ रिसेंटली द टर्म फोटोव वॉज इन न्यूज इट मीन्स सो फोटो वेोरिज्म की बात करेंगे अगर आप तो इट इज़ समथिंग विच इज टेकिंग दोटोज और सी कैन से टेकिंग सीक्रेटली द फोटोज ऑफ द सेक्सुअल एक्ट्स ऑफ अदर्स विदाउट देअर इंफॉर्मेशन यू कैन से विदाउट देअर परमिशन सीक्रेटली ऐसा फोटो लेना इसी को क्या बोलाता है फोटो वेोरिज्म और इसी को जापान ने अभी क्या कि हाल ही में क्रिमिनालाइज भी कर दिया है ना कंसिडर द फॉंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइलेंट बारकर प्रोजेक्ट इट इज़ अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ चाइना एंड रशिया नो दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज इट इज लॉन्च और यू कैन सीट दिस इनिशिएटिव इज अगेंस्ट चाइना एंड रशियाज बेसिक एम्बिशंस इट एम्स टू न्यूट्रलाइज वेस्टर्न थ्रेड इन साउथ चाइना सी यूजिंग सबमरीन्स नो अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो ये यूएस के स्पेस फोर्स के द्वारा एक कॉन्स्टोलेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जो कि चाइना और रशिया का स्पेस में थ्रेट से उसको डील करेगा प्रोटेक्ट करेगा जिसका नाम है साइलेंट बार्कर मेन फोकस इज टैकलिंग रशियन एंड चाइनीज स्पाइंग ऑन देम थ्रू सेटेलाइट ठीक है ना कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट फोर्थ नेशनल वाटर अवॉर्ड तो ओवरऑल अगर बात करें विनर गुजरात नो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नॉट हरिद्वार एंड बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की हम बात करेंगे तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि वो चंडीगढ़ तो है फिर इंदौर फिर सूरत बट बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज गंजम ऑफ उड़ीसा एंड ओवरऑल मध्य प्रदेश हैज टॉप दिस पर्टिकुलर रैंकिंग ऑफ फोर्थ नेशनल वाटर अवॉर्ड्स ठीक है नेक्स्ट हु इज द विनर ऑफ फोर्टी फाइव फोर्टी फिफ्थ यूरोपियन एसे प्राइज सो फोर्टी फिफ्थ यूरोपियन एसे प्राइजर आप देखेंगे अरुदंती रॉय को ये मिला है एंड उनका लेटेस्ट एसे जो है दैट इज आजादी दो हजार इक्कीस में उसके कारण हरअदर वर्क इंक्लूड गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जिसको बुकर प्राइज मिल रखा है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट है

And but that also went missing, and then later it was found that all the members of that particular submersible found dead. So this was the name was Titan. This was operated by Ocean Gate. Now, newly launched online course named Dakshtha applies to which of the following? So it is related to young government professional because we can see the Indian government has launched this course Dakshtha on the I Got Karam Yogi platform. दक्षता स्टैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू अप स्किल यंग प्रोफेशनल इन वेरियस डोमेंस टू एनहैंस देर इफेक्टिवनेस इन गवर्नमेंट रूल्स विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम टू सपोर्ट लैंग्वेज पब्लिशर्स इन इंडिया तो इसकी बात करेंगे तो गूगल ने इसको लॉन्च किया है और गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव के द्वारा लॉन्च हुआ है दिस सपोर्ट इज बींग प्रोवाइडेड फॉर अ टोटल ऑफ नाइन लैंग्वेजेस दैट इज इंग्लिश हिंदी कन्नड तमिल तेलुगु बंगाली मलयालम गुजराती एंड मराठी नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल योगा डे इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2015 दिस इज ट्रू पीएम मोदी लीड अ योगा सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एट यूएन हेड क्वार्टर दिस इज ऑल्सो ट्रू योगा बिलोंग्स टू द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसोफी दिस इज ऑल्सो करेक्ट तो तीन स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट देखें आपको फाउंडर ऑफ द योगा स्कूल इज योगा चार्ट दिस इज नॉट करेक्ट आ फाउंडर ऑफ योगा स्कूल वॉज पतंजलि सो ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ठीक है वो so पतंजलि जो थे वो थे योगा के फाउंडर नाउ रिसेंटली भवानी देवी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द ए एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप ये एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप हाल ही में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था तो वो वुक्सी में हुआ था दैट इज इन चाइना ठीक है ना रिसेंटली पेटेरी ओरपो हैज बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सो पेटेरी ओरपो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने की बात की दैट इज इन फिनलैंड एंड ही सक्सीडेड सैना मरीन एंड ही इज द लीडर ऑफ द कंजरवेटिव पार्टी विच इंटेंड्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स ऑन इमिग्रेशन ठीक है ना जेमकोवैक ओ एम अगेंस्ट ओमिक्रॉन इज विच टाइप ऑफ वैक्सीन इनमें से कौन सा वैक्सीन का टाइप है जेमकोवैक ओ एम सो दिस इज बेसिकली एम आर एन ए दैट इज

इंडिया की तरफ से कौन खान क्वेस्ट दो हज़ार में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये घरवाल राइफल्स कर रहे हैं खान क्वेस्ट जो है वो एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज है और इस बार इंडिया की तरफ से घरवाल राइफल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं नाउ चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज प्रोपोज टू बी सेट इन विच कंट्री तो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो पाकिस्तान में सेट होने जा रहा है और ये किसकी मदद से चाइना की मदद से इसको सेट करने की बात की जा रही है यू कैन सी दीज आर सर्टेन सो so, चश्मा साहिवाल मुजफ्फरगढ़ कराची ये सब न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहा मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी रिसेंटली सो इट वॉज इेटेड बाई सी एम नीतीश कुमार दिस इज करेक्ट बिकॉज इट वॉज इनोग्रेटेड बाई गवर्नर इट वॉज अ मीटिंग ऑफ लेबर इंगेजमेंट ग्रुप करेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ एल ट्वेंटी समिट वॉज हिमाया पांडे दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड हिरन माया पांडे इज द चेयरमैन ऑफ हिंद मजदूर संघ इसकी बात करेंगे तो यहां पर ये प्रेसिडेंट कौन थे हिरन माया पांड्या थे और ये चेयरमैन है आर एस एस बैक ट्रेड यूनियन दैट इज भारतीय मजदूर संघ ठीक है नेक्स्ट हु बिकेम द फर्स्ट मेल फुटबॉलर टू प्ले टू हंड्रेड इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम पोर्चुगल बिकेम द फर्स्ट मेल फुटबॉलर टू प्ले टू हंड्रेड इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस एंड इज टू हंड्रेड गेम वॉज अगेंस्ट आइसलैंड किसके अगेंस्ट था वो मैच आइसलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना टू हंड्रेड गेम जो है वो हाल ही में खेला है इन द यूरोपियन क्वालिफायर्स नेक्स्ट फ्रॉम बिहार हु हैज बिन अवार्डेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइट एगल अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड जो बेसिकली नर्सिंग के लिए दिया जाता है वो इस बार इनमें से किन को दिया गया है दैट हैज बिन गिवेन टू गायत्री कुमारी एंड द्रौपदी मुर्मू कन्फोर दिस पर्टिकुलर अवार्ड टू नर्सिंग प्रोफेशनल फ्रॉम बिहार मिस गायत्री कुमारी जो है वो ऑग्जिलियरी नर्स एंड मिडवाइफ कैटेगरी जो है दैट इज एन एम एफ उसमें आपको दिया गया है नेक्स्ट रिसेंटली इंटीग्रेटेड स्टमुलेटर कॉम्प्लेक्स थ्रू वॉज लॉन्च एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस तो ये लॉन्च किया गया आपको हाल ही में कोची में लॉन्च किया गया है दैट इज द इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स है क्या ये तो इट इज एन इंडिजिनसली बिल्ड इंडिया में बना हुआ सिमुलेटर है जो क्या इनहेंस करता है इंडियन नेवी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को इन्हेंस करेगा ठीक है ना विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज क्वाइंट द टर्म टेक्नोलॉजी डिनाइल रेजीम विथ रिस्पेक्ट टू द यू एस ए टेक्नोलॉजी डिनाइल रेजिम टर्म जो है यूएस के कॉन्टेक्स्ट में किस इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला था अगर आप बात करेंगे इसके बारे में तो इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे इट इज़ रू रेस्ट वॉट फॉमर प्राइम मिनिस्टर वॉट मनमोहन सिंह यूज़ टू सेट दिस पर्टिकुलर टर्म फॉर यू एंड इसका रीज़न ये है न्यूज़ में हमने देखा क्योंकि हाल ही में अभी इंडिया ने बेसिकली जब यूएस में विजिट हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो वहाँ पर हमने ये पाथ ब्रेकिंग चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड दैट द डील टू मैन्युफैक्चर द जीज़ फाइव फोर हंड्रेड फोर्टीन्स इन इंडिया अनाउंस्ड At that particular time, तो इस बार टेक्नोलॉजी को भी अनविलिंगली जैसे भी यूएस ने अग्री किया इंडिया के साथ शेयर करने के लिएबोरेशन बिटवीन स्टार्टअप इंडस एक्ट जो है वो किसके साथ इंडिया ने लॉन्च किया जो कि स्टार्टअप को फोस्टर करेगा तो वो यूएस के साथ डिफेंस एक्सोलेशन इकोसिस्टम जो है इंडस एक्स ये लॉन्च किया गया था इट फोर फोस्टर द कोलेबोरेशन एंड इनोवेशन Between Indian and US defense startups, Recently, which country has banned holy celebration in university to check the erosion of Islamic identity? ये हाल ही में अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान में ये रूल जारी किया गया है कि वहाँ पर होली क्या नहीं होगा सेलिब्रेशन नहीं किए जाएंगे ठीक है Which city has ranked best in लाइवेबिलिटी इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सबसे जो हाईएस्ट रैंक इसको मिला है किसमें ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में अगर उसकी बात करेंगे तो फर्स्ट इज वियना दैट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया सेकंड इज कोपेन कैपिटल ऑफ डेनमार्क थर्ड इज मेलबर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ठीक है फ्रॉम एशिया अगर आप हाँ बात करेंगे तो पहला जो है वो वैसे रैंक दस है बट फर्स्ट इन एशिया इज ओसाका इन जपैन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर्टेमिस अकॉर्ड एम्स फॉर मिलिट्री एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस थ्रू पीसफुल मीन

विच एस डी जी टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी तो जेंडर इक्वालिटी किस पर्टिकुलर एस डी जी का गोल या कौन सा एस डी जी गोल जो है वो है इसमें तो इट इज एस डी जी फाइव विच टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी और इस बार का जो थीम था इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी का वो था ब्रेकिंग बैरियर शेपिंग द फ्यूचर वुमेन इन डिप्लोमेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अमित शाह लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बलिदान स्तंभ इन विच पर्टिकुलर सिटी तो बलिदान स्तंभ अभी हाल ही में जो अमित शाह ने लॉन्च किया है वो कहाँ पर श्रीनगर में मार्टीज मेमोरियल को लॉन्च किया गया है रिसेंटली पी एम पेड अ विजिट टू इजिप्ट इन दिस कॉन्टेक्स विच आर द फॉलोइंग पोर्ट्स आर लोकेटेड इन इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया पोर्ट दिस इज ऑल्सो लोकेटेड पोर्ट सेड दिस इज ऑल्सो लोकेटेड दियर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर स्वेज पोर्ट भी वहीं पर है एंड सफागा पोर्ट भी वहीं पर है वेयर एज दुकम पोर्ट इज़ अ सी पोर्ट एंड रोड टर्मिनल लोकेटेड एट दुकम इन ओमान कहाँ पे ओमान में नेक्स्ट रिसेंटली पी एम वेड अ विजिट टू अल हकीम मॉस्क इन कायरो रिस्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ इंडियाज दाउदी बोहरा कम्युनिटी सो बोहरा कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच इस्लामिक स्कूल ऑफ थाट अगर आप बात करेंगे इसमें से इस्लामिक स्कूल जो अलग अलग थाट्स होते हैं उसमें बोहरा कम्युनिटी जो है वो फातिमी इसमायली तयी से बिलोंग करता है ये बोहरा कम्यूनिटी ठीक है हु हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर बाल साहित्य पुरस्कार दो हज़ार तेईस इन द मैथिली लैंग्वेज बाल साहित्य पुरस्कार टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के लिए इनमें से किसको मैथिल लैंग्वेज के लिए रखा गया है एंड दैट इज अक्षय आनंद सनी को ये अवॉर्ड बेसिकली दिया गया है ठीक है यहाँ से तो आपको क्लियर हुआ है मैथिली में अक्षय आनंद सनी को ये प्राइज़ दिया गया है अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो सूर्या नाथ सिंह जिसके बुक का नाम है कौतुक एप एंड इंग्लिश में सुधा मूर्ति जिनके बुक का नाम है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज विच स्टेट हैज़ लॉन्च द लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड ये हाल ही में जो अगर आप बात करेंगे लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका एम है कि लीगल सर्विसेज फ्री में देना एलिजिबल वंस को और इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो रखी गई है दैट इट शुड नॉट बी हैविंग द एनुअल इनकम मोर देन थ्री लैक्स ऑपरेशन ग्रीन्स इज अ गवर्नमेंट स्कीम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग तो ऑपरेशन ग्रीन्स बार बार न्यूज़ में इसलिए आता है हर साल क्योंकि जब भी ऐसे टोमै प्राइसेस वगैरह की दाम प्राइस दैट इज टोमैटो ऑनियन एंड पोटेटो ठीक है सो दिस वॉज द डिस्कशन फ्रॉम टूडेज पर्टिकुलर लेक्चर अगले लेक्चर में हम लोग जुलाई महीने के फर्स्ट हाफ के साथ करंट अफेयर एमसी की उसके साथ जुड़ेंगे ठीक है थैंक यू सो मच